कराची में बारिश का माहौल पिछले कोई 10-12 दिनों से तो बना हुआ है, लेकिन बारिश हो नहीं पा रही है। और ये ज्यादा से ज्यादा ड्रिजल बरसाने के या हल्की बारिश बरसाने के ही इनमें पोटेंशियल होता है। 24 तक है कराची में भी इसी तरह वक्फे से अच्छी बारिश हो रही है। कॉन्टेमिनेंट केमिकल्स एडिटिव दे कैन कॉज कैंसर, फर्स्ट वी नीड टू स्टॉप दिस। इसको आज हम कैंसर बोल रहे हैं, पहले भोला करते थे, राज भोला भोला करते। आज बच्चे क्यों माजूर पैदा हो रहे हैं डॉक्टर साहब, आप मुझे बताइए क्यों पैदा हो रहे हैं। आजकल सबकी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ सहरिश ज़ुहैब, मेरे साथ मौजूद हैं फहीम। फहीम कैसे हैं आप? अल्लाह के शुक्र सहरिश, आप खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं। आज इस्लामी साल का पहला दिन भी है सहरिश, यकुम मुहर्रमुल हराम, और पूरी दुनिया ने जो है वो ज़्यादातर कल हिंदुस्तान पाकिस्तान में आज मनाया जा रहा है। तो आज के दिन की शुरुआत जो है वो हम कोट ऑफ द डे से ही करते हैं, और आज का दिन जो है वो हज़रत उमर फारूक के यौम शहादत से भी मंसूब है। तो किसी ने क्या खूब लिखा है, यतीम हो गया है अदल का जहां, ज़माना फिर से उमर बिन खत्ताब चाहता है। जी हां नाज़रीन, आज यकुम मुहर्रमुल हराम, नए इस्लामी साल का पहला दिन, आज अमीरुल मोमिनीन खलीफा रसूल हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन का यौम शहादत है। वही उमर जिसके दौर खिलाफत में आधी दुनिया में मुसलमानों की हुकूमत कायम थी। आपने अपने दौर में कई ऐसे कारनामे अंजाम दिए जिसमें इस्लामी तारीख, सन हिजरी का कयाम, पुलिस और फौज का कयाम, फैसला करने वालों के लिए भी कवानीन, जेल का कयाम समेत बेवा और बेसहारा लोगों के लिए वजीफे का कयाम सर फहरिस्त है। उनका बनाया हुआ निज़ाम दुनिया के 245 ममालिक में आज भी किसी ना किसी शक्ल में मौजूद है, और यरूशलम फतह होने के बाद आज भी उमर लॉ वहाँ मौजूद है। अल्लाह से दुआ है हमारे मुल्क में निज़ाम अदल का निज़ाम मज़ीद मजबूत हो और पाकिस्तान तरक्की की मंजिलें तय करता रहे, यही हमारी दुआ भी है सहरिश। और यही हम चाहेंगे कि वही ज़माना वापस आ जाए कि इस्लाम की सरबुलंदी हो और हर जगह अदल का निजाम जो है वो बिल्कुल। और अगर हम आगे बढ़ें और कुछ बड़ी खबर की अब बात करें तो शामिल कर लेते हैं बड़ी खबर। जरूर। चेयरमैन पीटीआई की जानिब से लहराया गया साइफर झूठ का पलंदा था। साबिक वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान का बयान, हुकूमत का सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा चलाने का ऐलान, क्या आर्टिकल 6 के तहत भी कार्रवाई हो सकती है, जानेंगे आज के प्रोग्राम में। और नाज़रीन, मुल्क भर में मॉनसून सीजन के असरात, मुतअद्दिद शहर शदीद बारिशों की लपेट में, कड़क और अटक में, नशीबी इलाकों में तुगयानी, दरियाए चनाब में सैलाबी सूरत हाल, चल्लास में तबाही, कराची में आज बारिश की पेशगोई, सांगड़ खैरपुर लाड़काना में भी बादल बरसेंगे। दिहाई की शख्सियत का एजाज, पाकिस्तानी सोशल एंटरप्रेन्योर डॉक्टर अमजद साकिब के नाम, अखुवत के मिशन की दुनिया भर में पजीराई, पूरी कौम के लिए काबिले फखर है। और नाज़रीन, गॉड टेस्ट में कौमी टीम की गिरफ्त मजबूत, फैंस जीत के मुंतजर, बाबर आजम की कप्तानी और पाकिस्तानी फील्डिंग के चर्चे। ये तो थी वो तमाम बड़ी खबरें जिन पर आज प्रोग्राम में डिटेल में डिस्कशन होगा, और हमारे मेहमान भी हमें ज्वाइन करेंगे। ट्रेंड्स की तरफ आ जाते हैं तो ट्विटर पर जो सारफीन ने बातचीत की उनमें टॉप ट्रेंड जो शामिल है वो हज़रत उमर के हवाले से है, खलीफा दोम हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हो आज ट्रेंड में शामिल हैं। नए इस्लामी साल के पहले रोज़ आज खैबर पख्तूनख्वा में आम तातील का ऐलान भी किया गया है, जबकि इस ट्रेंड में सारफीन हज़रत उमर से मंसूब अहादीस रसूल और अकवाल को शेयर भी कर रहे हैं, और हज़ारों की तादाद में सारफीन ने अपने ट्वीट्स किए हैं और ख्यालात का इजहार किया है। बेशक मुराद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज हज़रत उमर का यौम शहादत, और पूरी दुनिया के अंदर यह हैशटैग जो है वो इस वक्त सर्कुलेट कर रहा है। साथ साथ एक और हैशटैग एशिया कप 2023 भी जो है वो सामने आया है और ट्रेंड में शामिल है। एशिया कप के शेड्यूल का बाकायदा ऐलान कर दिया गया है। इफ्तिताही मैच पाकिस्तान और नेपाल के दरमियान 30 अगस्त को मुल्तान में खेला जाएगा, जबकि मेगा इवेंट में पाकिस्तान 4 मैचों की मेजबानी करेगा जिनमें से एक मैच सुपर 4 मरहले का भी है। मुल्तान में 1 और लाहौर में 3 मैच खेले जाएंगे। पाकिस्तान और भारत का मैच 2 सितंबर को कैंडी में खेला जाएगा। अच्छा, आपको पता है फहीम, इस पर जैशा का भी ट्वीट सामने आया जिसमें उन्होंने बोला है कि जी मोस्ट एंटिसिपेटेड मैच जो था ना उसका भी फैसला जनाब अब हो गया है, और अब
ये मॉडल को फॉलो किया जाएगा। श्रीलंका में मैचेस होंगे, पाकिस्तान में भी मैचेस होंगे, तो एशिया कप फाइनली अब होने जा रहा है और अगस्त के एंड से इसका आगाज होने जा रहा है। और ट्रॉफी भी मैंने देखी है, ट्रॉफी भी बड़ी जबरदस्त, बहुत प्यारी ट्रॉफी, अलग रहे पाकिस्तान आ जाए। लेकिन साथ साथ जय शाह को ये भी बता देना चाहिए था कि भाई इस मैच का तो हमें इंतजार था ही, लेकिन अक्टूबर में होने वाले वर्ल्ड कप के मुकाबले का ज्यादा इंतजार है, जो कि अहमदाबाद में अभी तक खेला जा रहा है, वहां हाइब्रिड मॉडल पर अभी तक नहीं गए हैं, ये भी फैसला नहीं हो पाया। खैर, एक और हैशटैग पाक वर्सेस श्रीलंका, जो कि बहुत जरूरी है क्योंकि पाकिस्तान जीत की जानिब बढ़ रहा है और जीत पर अपनी गिरफ्त जो है वो मजबूत करने लगा है। पाकिस्तानी बॉलर्स ने श्रीलंकन टीम को 279 रन पर आउट किया, जिसके बाद जीत के लिए कौमी टीम को आज सिर्फ 83 रन दरकार हैं। नुमान अली और अबरार अहमद ने तीन तीन विकेट हासिल की हैं। सैरिश, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने ये मैच या इसकी हाइलाइट जरूर देखी होगी। मैंने हाइलाइट्स देखी हैं, दिलचस्प हो गया है, बिल्कुल जनाब, मजा आ रहा था मैच देख के। और क्या बात है भाई, अबरार की तीन तीन विकेट इन दोनों ने लिए और स्टैंड में भी हजारों सार्फीन ट्वीट्स कर चुके। आपको पता हमारा मुल्क भरा पड़ा है क्रिकेट लवर से, तो सब खासतौर पर ट्विटर पर महाज संभाल लेते हैं और अपनी अपनी राय का इजहार करते हैं। अगर कुछ बैंकी बैंकी हो जाए तो फिर मीम्स भी बड़ी कमाल की बनती है, बहुत शदीद, और इन्हीं का इंतजार रहता है हमें ट्वीट के ऊपर, ताकि जब ट्रेंड में आ जाए और जब आप हैशटैग को फॉलो करते हैं तो ऐसी ढेरों आपके पास मीम्स आ जाती है। और बात हो रही है खेल की, तो खिलाड़ी की भी बात होनी चाहिए सारी। बिल्कुल जनाब, अब आ जाते हैं सबसे मेन पर, जो कि कल की सबसे अहम खबर थी। पीटीआई के चेयरमैन की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया है। पीटीआई चेयरमैन के खिलाफ साबिका दौर के बतौर वजीर आजम उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान ही गवाह बन गए हैं और कल उन्होंने मैजिस्ट्रेट को रिकॉर्ड कराए गए बयान में साबिक वजीर आजम पर वजारत खारजा के साइफर को अपोजिशन और एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम आयद किया है। आजम खान ने यह संगीन इल्ज़ाम भी आयद किया कि इस वक्त के वज़ीर आज़म ने साइफरॉन से ये लिया था। और इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए अब्दुल क़यूम साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सेनेटर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़यूम साहब, रहनुमा नून लीग के। बहुत शुक्रिया अब्दुल क़यूम साहब आपके वक्त का। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे क़यूम साहब यही है कि ये तो नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ मामला है, और अगर ये सब कुछ जो कल बयान में बताया गया ऐसा हुआ है तो इस मामले की तहकीकात होना बहुत ज़रूरी है, और ये कितने संगीन इल्ज़ाम आते हैं, आपकी इस पर राय क्या है? देखिए, बहुत मेहरबानी, मसला ये है कि देखिए ये बहुत संगीन इल्ज़ाम तो ज़रूर ही है, उसकी वजह ये है कि इतने बड़े अहदों पर बैठे हुए लोग, क्योंकि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री, वो अगर इतनी सेंसिटिव डिप्लोमेटिक और सेंसिटिव हसास किस्म की इंफॉर्मेशन के साथ इस तरह खेलें कि अपनी सियासी मफादात के लिए इस्तेमाल करें, तो ये बहुत ही काबिल अफसोस बात है, बिकॉज इससे पाकिस्तान के इमेज को नुकसान पहुंचता है, पाकिस्तान के जो सफारती ताल्लुकात हैं वो मुतासर होते हैं और मुल्क के अंदर लोग गुमराह होते हैं। आप ये देखें कि ये साइफर का पेपर जो है ये बड़ा टॉप सीक्रेट होती है और बड़ी फ्रैंक हमारे एम्बेसडर्स हर रोज हर दुनिया के हर कोने से वो लिख लिख के भेजते रहते हैं, और ये इट इज नॉट टू बी कोटेड, और ये जैसे साइफर का लफ्ज है कि ये बिल्कुल एब्सोल्युटली कोई दूसरा बंदा इसका साइफर का कोड भी नहीं जानता ना समझ सकता है। तो ऐसी चीज को आप जलसों में अगर लहराएंगे और फिर आपके प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर ये कहेंगे कि हम इसके साथ जो है हम पॉलिटिकल मकासद के लिए था, और खुद एक जो वीडियो लीक हुई थी उसमें कल से सारे मैटर पर डिस्कशन हो रहा है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर एकदम से आजम खान साहब सामने आते और आके कह देते हैं कि जी नहीं जी मुझे तो प्रेशर में मैंने ये बयान दिया है, ऐसा कुछ नहीं है, या वो अपना बयान बदल लेते तो क्या होगा। दूसरा मुझे ये भी बताएगा कि इस मामले पर वैसे आपकी आपका अपना ख्याल क्या है, क्या ये बिल्कुल बेसलेस था या फिर एग्जिस्ट करता है साइफर लेकिन उसको आउट ऑफ द ब्लो, मतलब आउट ऑफ प्रमोशन ब्लो किया गया, क्या आपको लगता है इसकी हकीकत है क्या वैसे? देखिए फॉर श्योर साइफर तो आता है, मैंने कहा कि हर कंट्री से हर एम्बेसडर लिख के भेजता है और बड़ी फ्रैंक, बिकॉज दैट इज नॉट टू बी कोटेड आउटसाइड, तो वो तो साइफर तो होगा, लेकिन साइफर के कंटेंट को आगे आउट ऑफ द प्रोपोर्शन ग्रो करके अपने पॉलिटिकल बेनिफिट्स हासिल करने की कोशिश की गई, तो दैट इज बैड। और दूसरा आप कहते हैं कि आजम खान आएंगे तो कहेंगे बड़े अंडर प्रेशर, ऑब्वियसली ये चीजें जो है ना बहुत सी हकायक तो ऑलरेडी नोन है, ये तो अभी सारी डॉट्स को मिलाई जा रहा है और देखा जा रहा है।
एंड आई एम श्योर के इतनी सीनियरिटी का एक बंदा, एक ब्यूरोक्रेट जो मंजा हुआ है, वो ऐसे आके ऐसे अप्रूवर बनने के लिए कोई गलत इन्फॉर्मेशन बिल्कुल नहीं देगा। और अगर उसने ये कहा है तो इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और हम तो कभी भी, मैं तो ये नहीं कहता कि किसी को हम गैर जरूरी तौर पे किसी चीज़ में फंसाने की कोशिश करें, लेकिन अगर आप वायलेट करते हैं और बड़े अहदों पे बैठ के आप इतनी बड़ी ओमिशंस करते हैं जिसके आपके मुल्क की क्रेडिबिलिटी भी इरोड होती है और मुल्क के अंदर भी लोग मिसलीड होते हैं, तो ये बड़ा सीरियस एक किस्म का जुर्म है। सीरियस है वो इल्ज़ाम है, ये बिल्कुल आपने सही कहा कि ये एक प्रोपेगेंडा है, एजेंडा है, क्या है ये जो भी है पता चल जाएगा, सामने आ जाएगा। अब्दुल कय्यूम साहब, मैं ये जानना चाहूंगा कि जब ये बयानिया आया साइफर वाला, तो एब्सोल्युटली नॉट, वो एक मौकफ सामने आ गया आपके और पूरी कौन ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दी गई है कि जी ये एक गैर मुल्की साजिश हो रही है और अब ये पता चल रहा है कि ऐसा कुछ था ही नहीं। तो एक तो ये आवाम के साथ जो खेलवाड़ हुआ है उस पर भी आप अपने कमेंट जरूर दीजिएगा। इसके साथ साथ मैं ये भी जानना चाहूँगा कि ये बड़ी ही सेंसिटिव मालूम होती है, अभी आपने इसका जिक्र किया, ऐसे बहुत से बयानी हैं साबिक वज़ीर आज़म की जानिब से आए जो कि बंद कमरे में होने वाली डिस्कशन थी जो दो तीन लोगों के दरमियान हुई और उसका भी उन्होंने कई बार हवाला दिया कि मैं बता सकता फला फला बंदे ने फला फला मकाम पर ये बात की है। वो भी क्या ये कोई कोड ऑफ कंडक्ट है जिसकी वायलेशन हुई है, और अगर ऐसा कोई कोड ऑफ कंडक्ट है जो वायलेट हुआ है तो क्या इस पे आर्टिकल 6 लगेगा? देखिए ये तो मेरे ख्याल लीगल एक्सपर्ट्स ही बता सकते हैं कि आर्टिकल 6 लगेगा या नहीं, लेकिन मैं आपको ये बताना जरूर समझता हूं कि बहुत सी कन्वर्सेशंस कॉरिडोर्स ऑफ पावर्स के अंदर होती है जो कि बाहर नहीं कोर्ट होती ना की जाती है। मैं दो वज़ीर आज़म के साथ मिलिट्री सेक्रेटरी भी था और मैं देखता रहा कि प्राइम मिनिस्टर्स के बहुत से मीटिंग्स होती हैं, बहुत सी चीज़ें सेंसिटिव होती हैं, तो दैट इज़ वाई ये सीक्रेट एक्ट की बात करते हैं कि आप कई चीज़ें डेवल का और आप ओथ लेते हैं कि मुल्क के मफाद के खिलाफ कोई बात भी मैं बाहर नहीं करूँगा, हाँ मैं उस सर्वे रहूँ उस अहदे पर या उस अहदे से बाद में चला भी जाऊँ। आपको वही चीज़ें रिवील कर सकते हैं जो आप समझते हैं कि मुल्क के मफाद के अंदर है। कई ऐसी सेंसिटिव चीज़ें बहुत से, देखिए ना, आप पाकिस्तान ने एक मिसाइल पार बना, पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पार बना, पाकिस्तान एक ऐसे खित्ते में है जहां मशरक से भी आपको खतरात हैं और मगरब का हमारा दोस्त मुल्क है लेकिन उनकी सरजमीन भी हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। बहुत सी पसीचिल्बन एक्टिविटी होती है जिसके अंदर ये टॉप जो अपॉइंटमेंट होल्डर्स हैं और प्राइम मिनिस्टर को टॉप ऑफ द लाइन है वो इन्वॉल्व होते हैं, तो अगर वो बाहर आके अपनी पॉलिटिकल फायदे के लिए कोई चीजें कहना शुरू कर दे तो उस पे आर्टिकल 6 तो भी लग सकता है। और ये मुझे ये बताएगा, आप लोग हुकूमतों का हिस्सा रहे हैं, मुझे बताएगा कि क्या इस तरह के साइफर आते रहते हैं और मतलब ये मामूली बात है, लेकिन ये जो साइफर था क्या ये वन ऑफ इट्स काइंड था जो पीटीआई दौर में आया जिसमें गैर मामूली जुबान इस्तेमाल की गई और बकायदा कहा गया कि ऐसा हुआ तो ऐसा हो जाएगा और अगर वैसा हुआ तो वैसा हो जाएगा, ऐसा होता है या फिर ये एक अलग ही मामला था? नहीं नहीं, बात ये है कि रूटीन में साइफर तो पूरी दुनिया के अंदर हर मुल्क का जो हाई कमिश्नर है या एम्बेसडर है वो उधर से वो तो इत्तलात सारे देते रहते हैं ना, हमारे मुल्क में पहले भी आते रहे, अभी भी साइफर तो आ रहे होंगे, लेकिन उनके कंटेंट्स जो हैं तो आईज ओनली के लिए होते हैं कि आप इनको देख लें और फिर उनको शिफ्ट करके जो जरूरी चीज है वो कही जाती है। तो अगर उनके कंटेंट्स को भी मैनिपुलेट करके फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं हम इसके ऊपर खेलेंगे, आपने देखा ना को एक एक जगह के ऊपर, तो आप अगर इस तरह के खेलेंगे अपनी सियासत के लिए, देखिए हुकूमतें आती जाती रहती हैं, इकतदार भी दायमी नहीं होता, हम अल्लाह के करम से हम चाहते हैं कि हमारा मुल्क हमेशा के लिए कायम रहे, रियासती मफादात की वो कभी भी आप दौ पे नहीं लगाना चाहिए। तो इसलिए मेरे ख्याल में ये चीजें जो थी ये बड़ी सीरियस चीजें थी जिनके ऊपर। अच्छा, अब्दुल कय्यूम साहब, जैसा कि आपने बताया कि ये साइफर पे खेलने की बात हुई, ठीक है, इसी तरीके से सोशल मीडिया पे अगर हम देखें तो इदारों के खिलाफ भी एक ऐसी कैंपेन चलाई जा रही है जिसमें बिला वजह किसी न किसी इल्जाम का जो है उन्हें ठेकेदार ठहराया जा रहा है। इस पर भी मैं चाहूंगा कि आपके कमेंट जरूर आए, क्योंकि इदारे हमारे हैं, मुल्क हमारा है, तो ये सारी बातें क्यों जन्म लेती हैं, इनकी क्या वजूहात होती हैं कि सिर्फ अपने सियासी मकसद को चमकाने के लिए ये बातें की जा रही हैं? देखिए इसके दो पहलू हैं, एक तो ये होता है कि जो सियासी लीडर अगर उसकी मैच्योरिटी ना हो उसके अंदर और वो सियासी बलूगत तक ना पहुंचा हो और उसको तजर्बा ना हो और वो सेल्फ सेंटर्ड हो और वो ये चाहे कि जो मैं हूँ बस है और कुछ भी नहीं है, एक तो वो गलती है।
दूसरा ये है कि इन चीजों को फिर कैपिटलाइज करती हैं बैरूनी ताकतें जो आपकी सलामती के खिलाफ काम कर रही होती है। दैट इज कॉल्ड फिर हाइब्रिड वॉर। उसके अंदर ये होता है कि जंग लड़े बगैर आप अगर अपने दुश्मन को अंदर से तोड़ लें, अपने जिसको आप एनिमी समझते हैं, तो वो बेस्ट है। यही बात चाइनीज एक मुफक्कर था, सुन त्ज़ू, वो जनरल था, उसने अपनी किताब दी आर्ट ऑफ वार में लिखा था कि बेस्ट स्ट्रेटजी ये नहीं है कि 100 जंगें लड़ें और जीतें, बेस्ट स्ट्रेटजी ये है कि विदाउट फाइटिंग बैटल्स आप ओवरऑल स्ट्रेटजिक ऑब्जेक्टिव्स को या एम को हासिल कर लें। यही पाकिस्तान के खिलाफ हो रहा है। आप देखें कि बैनुल अक्वामी मालियाती अदारे आपकी आर्म ट्विस्टिंग करते हैं, FATF के अंदर आपको देखा क्या हुआ, आपकी ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन करोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं, आपके CPAC को वो कहते हैं नहीं जी ये तो रेड लाइन है। अभी ये हमारी इंटरनल इश्यूज है जो बाइलैटरल लेवल के ऊपर हम कर रहे हैं। फिर ये टेररिज्म है, आप वो टेररिज्म पे क्या हासिल करना चाहते हैं, क्या वो पाकिस्तान को टेररिस्ट फतह कर सकता है? लेकिन वो ये कह सकता है कि अंदर बेचैनी फैलाओ और मुल्क को अंदर से वॉर्स चल रही है। बिल्कुल सही बात। लेकिन कयूम साहब आखिरी सवाल है मेरा आपसे, वैसे अगर तो आजम खान साहब के मौकिफ को दुरुस्त मान लिया जाए तो ये तो बड़ी एक अजीब सी बात है कि आपकी हुकूमत को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए चली गई, तो आपने फिर कहा कि भी नैरेटिव फैलाया जाए, अपने इंस्टीट्यूशंस को मुतासिर किया जाए, ये तो बड़ी अजीब सी बात है। इस पर प्रॉपर तहकीकात होनी चाहिए ताकि अवाम के सामने सच आ सके। इस तरह तो कल को कोई भी उठ के आएगा कुछ भी कह देगा ताकि उसके अपने सियासी बयानियों को नुकसान ना पहुंचे। देखें ये तो बीबी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ये जो आप बात कह रही हैं ये बड़ी सच्ची बात है कि इसकी फेयर जो है वो इन्वेस्टिगेशन हो। और ये मेरे ख्याल में ये तो दो टोक बात हुई है, ये तो ब्लैक एंड वाइट में है। फॉरेन ऑफिस को भी पता है, वो एम्बेसडर जो उस वक्त थे उनको भी पता है, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर भी बात हुई, बहुत सी चीज़ें अभी इन्होंने भी बता दी। तो ये तो एक कन्फर्म चीज़ है कि ये बहुत बड़ी एक वायलेशन हुई है और इसका आई एम श्योर कि हुकूमत को चाहिए कि वो देखे और सेट करे एग्जाम्पल्स। कोई बंदा भी फ्यूचर में भी अपने कौमी मफादात को दांव पे लगा के अपनी सियासत को न चमकाए। जी बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल कयूम साहब, आपने इस पर जो है वो डिटेल में गुफ्तगू की। और सहरिश बड़ी ही ज़बरदस्त ये कि अगर आप अपने बयानिए को दुरुस्त साबित करने के लिए किसी भी हद तक जाने की कोशिश करें तो कम से कम उसके अंदर इस बात का तो ख्याल रहना चाहिए कि मुल्क की जो है वो जग हसाई ना हो। बिल्कुल यार, पता है इसमें लोग हंसें इस बात के ऊपर, कल से जो है वो ये ट्रेंड जो है ट्विटर पर लगा हुआ है। तो बहुत गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा भी है और दूसरा ये आपने अपने ओथ की भी खिलाफ वर्जी की है, तो इसके बड़े संगीन नतज हो सकते हैं। एनी हाउ ये माहिर कानूनी बता सकता है कि इस पर एक्ट किस तरह लगेगा, क्या कार्रवाई होगी, तो ये आगे आने वाले वक्त में पता चलेगा। अब हम कुछ बात करेंगे शहदाए पाकिस्तान की, जिनको बोन न्यूज़ का सलाम है क्योंकि हम उन्हें अपने हर लम्हे में याद रखते हैं। तारीख गवाह है कि जब भी वतन की मिट्टी ने पुकारा, हमारे जवानों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर लबैक कहा। सिपाही मीर अली बेबाक निडर और वतन पर मर मिटने का अज़्म रखने वाले जांबाज मुजाहिद थे जिन्होंने वतन अजीज की खातिर शहादत को गले लगाया। हमने एक रिपोर्ट हिकड़े तुम भी पढ़ो लिखो, तुम भी आर्मी में वनो असनट का कॉल आई तो चयों तवाल साहब शहीद थी। सिपाही मीर अली वतन पर जांबाज होने वाले एक निडर सिपाही थे और पाक फौज को, पाक फौज के शहदा को हमारा सलाम है, बोल न्यूज़ का सलाम है। सैरिश अभी थोड़ी देर पहले ही मैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जो हमारे साथ अब्दुल कयूम साहब मौजूद थे उनसे भी मैंने यही सवाल किया था कि सोशल मीडिया के ऊपर इदारों के खिलाफ जो है वो बातें हो रही हैं। देखिए किसी के खिलाफ बात करना बड़ा आसान होता है, स्पेशली सोशल मीडिया पर, इसीलिए उसे कहते हैं कि गटर पॉलिटिक्स वहाँ पर होती है। आप एक अपनी राय देकर आगे बढ़ जाते हैं और फिर उस पर एक समझ लीजिए बयानियाँ बन जाता है, फिर उस राय को खबर बना के पेश किया जाता है। ये फहीम इस वक्त हम लोगों को एक चैलेंज है जो कि एक फिफ्थ जनरेशन वॉर भी है जिसमें कि हमें फेक न्यूज जो है ना उसका मुकाबला करना है कि जब तक आप तस्दीक ना कर लें, ना तो रीट्वीट करें ना ही आप उसको शेयर करें। ये बड़ा जरूरी है और आपकी इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने पहले खबर की तस्दीक करनी है। अब आप सोचेंगे मैं कहां से करूं, आप मुख्तलिफ जराए से चेक करें। अगर आपको लगे कि 6-7 लोग एक ही बात बोल रहे हैं और वो लोग जो कि ऑथेंटिक लोग हैं, ऑथेंटिक मतलब ये कि कोई ऐसे जर्नलिस्ट है जो कि मतलब सही बात करता है, उसके जराए ठीक हैं और मतलब प्रूफ के साथ बात करता है, उसकी बात सुने फिर आप उसको शेयर करें। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म एक अलग चीज है, वहां जो चीजें हो रही है, जो बातें हो रही है वो पूरी तहकीकात और असर व रसूख के साथ बात की जा रही है। सोशल मीडिया की खबरों पर प्लीज खुदा के वास्ते
अपने कान जो है वो ना धरा करें, वहां पर 90 से ज्यादा फीसद जो है वो सिर्फ कयास आराइयां हैं। बिल्कुल, इसी बात के साथ, इसी बल्कि तनबीह के साथ हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, स्टे विद अस। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको शामदीद कहते हैं, दुनिया बोल है मैं। और सरिश, आज का दिन जो है यकुम मुहर्रमुल हराम, इस्लामी तारीख में बड़ी ही अहमियत का हामिल है, क्योंकि 1400 साल गुजर चुके हैं तकरीबन हज़रत उमर बिन ख़त्ताब की शहादत को। और ये एक ऐसी शख्सियत है जिनके बारे में अगर हम बात करें तो एक प्रोग्राम तो क्या, एक हफ़्ता, एक महीना पूरा ही ख़त्म हो जाएगा, लेकिन इनकी जो फ़ज़ाइल और जो करामात हैं वो पूरी नहीं हो पाएंगी। नाज़रीन, आपको बताते चलूँ कि मुराद रसूल हज़रत उमर फ़ारूक को कहा जाता है, क्योंकि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन दो लोगों के इस्लाम लाने की दुआ फरमाई थी उनमें से एक हज़रत उमर बिन ख़त्ताब थे और वो ईमान भी ले। और क्या खूबसूरत मंजर था, सैरज मैं चाहूँगा अपने नाज़रीन के साथ शेयर भी करूँ वो, कि बहुत ही कम ऐसी शख्सियात हैं इस्लाम में नाज़रीन जिन्होंने इस्लाम लाने से पहले भी अपने आप को मनवाया है, और ईमान की रोशनी के बाद तो ऐसा हुआ कि पूरी दुनिया के अंदर आज भी उनका नाम रोशन है। जब हज़रत उमर बिन ख़त्ताब इस्लाम लाने का वाकया उनका आता है तो वो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल के इरादे से तलवार लेकर के निकले, और रास्ते में अपनी बहन के घर पर जब रुके और पता चला कि वो पहले से ही उनके बहन और बहनोई जो हैं वो इस्लाम ले आए हैं, और कुरान पाक की आयात जब सुनी तो उनके दिल पर ऐसा सुरूर तारी हुआ कि वो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुँचे और ईमान ले आए। और ये वो वक्त था जब हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ने तलवार को म्यान से निकाला और मक्के की गलियों में चिल्लाते हुए लोगों को पुकारा कि है कोई जो अपने औलाद को यतीम करवाना चाहता है तो आए और उमर का रास्ता रोके, क्योंकि अब उमर ईमान ले आए हैं। और वो वक्त था जब पहली मरतबा मक्के में जमात के साथ नमाज अदा हुई। ये क्या बात है, बिल्कुल ऐसा ही है। और बात करेंगे इसी सारी सूरत हाल पर, हमें ज्वाइन किया है इस वक्त डॉक्टर जमील राठौर साहब ने, जो कि इस्लामिक स्कॉलर भी हैं। डॉक्टर जमील, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर जमील, मेरा पहला सवाल आपसे हज़रत उमर के हवाले से ही है। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब जो कि हजूर अक्रम के करीबी साथियों में से भी थे, और जब वो उन्होंने इस्लाम कबूल किया तो उससे बड़ी तकवीत मिली, क्योंकि उस वक्त बड़े मुश्किल हालात थे। तो मैं चाहूंगी कि उनकी जिंदगी पर, मुसलमानों के दूसरे खलीफा की जिंदगी पर शुरू से आखिर तक जरा मुख्तसरन रोशनी डाल दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले आपका शुक्रिया इस बात का कि मुझे ऑन बोर्ड लिया, और दूसरा सबसे पहले मैं मशकूर ममनून हूँ बोल टीवी का कि जिन्होंने इतनी अजीम हस्ती के लिए आज के दिन में गुफ्तगू करने का शर्फ हासिल किया। ये सआदत हर किसी के हिस्से में नहीं आती। आपने लबकुशाई की, तो मैं समझता हूँ कि इंदल्लाह आप माजूर होंगे, अल्लाह इस दुनिया और आखिरत में आपको भलाई आता फरमाएगा। क्योंकि दुनिया के अंदर, तारीख इंसानियत के अंदर बहुत सारे लोगों ने अपना हिस्सा डाला, इम्पेक्ट डाला दुनिया पे, अपने नुकूश छोड़े, लेकिन हजरत अम्बिया कराम रसूल इज़ाम अलैहि वसलात व तस्लीम के बाद सारे अम्बिया सवलाक कमोबेश दुनिया में तशरीफ लाए, उन सारे अम्बिया कराम में के बाद के सहाबा में, और ऐसे लोग के फ़कत सहाबी नहीं के बल्कि दुनिया के अंदर आज जितनी भी रिफॉर्म्स हैं, जितनी भी इस्तलाहात हैं, जितनी भी अच्छाइयाँ हैं, मैं समझता हूँ कि हज़रत सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु के बाद अगर दुनिया पे किसी ने इम्पेक्ट डाला है तो जनाब मुराद सानी, जनाब खलीफा सानी मुराद मोहम्मद मुस्तफ़ा। इसलिए कि आपने बड़ी खूबसूरत बात की, और बात यही है कि दुनिया में जितने भी लोग हैं वो सारे मुरादे मुरीदे नबुव्वत और रिसालत है। उमर बिन ख़त्ताब इन सबसे बढ़कर मुरीदे रिसालत नहीं बल्कि मुरादे रिसालत और नबुव्वत है। आका करीम अली सलातु व तस्लीम ने खुद उनको मांगा, और आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि फारूक इसलिए कहा गया कि इससे पहले तो मुसलमान छुप छुप कर नमाजें अदा करते थे, लेकिन उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अर्दहु जब हल्का बगोशे इस्लाम हुए तो आप इसलिए हक व बातिल की तमीज बने कि आपने फरमाया कि या रसूलल्लाह जब हम हक पर हैं तो अब हम छुप कर नहीं बबांगे दहल काबतुल्लाह में जाकर तवाफ भी करेंगे, नमाज भी पढ़ेंगे। और 40 में चूंकि उमर बिन ख़त्ताब मुसलमान हुए इसलिए अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व आला ने फरमाया या अय्युहन नबी हस्बुकल्लाहु व मन इत्तबाअका मिनल मुमिनीन, कि ए नबी तुम्हारे लिए कह दीजिए कि अल्लाह भी काफ़ी है
और ये 40 गुलाम जो तुम पर ईमान लाए हैं, ये 40 गुलाम भी काफी और शाफी है। और फिर चश्मे फलक ने पहली मर्तबा ये सीन देखा, ये मंजर देखा कि उमर बिन खत्ताब एक जानिब है और अल्लाह के शेर हजरत हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा दूसरी जानिब है और मुसलमान फलक शिगाफ नगाड़े लगाते हुए हरम में दाखिल होते हैं। डॉक्टर जमी, मैं चाहूंगी हजरत उमर बिन खताब रजी अल्लाह जो अनहो हैं उनके हवाले से कुछ, उनकी निस्बत जो थी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, उनकी जो सोहबत थी, उनकी नुसरत थी उनके साथ, फिर इस्लाम की खिदमत, फिर उनका तकवा, उनकी शख्सियत और उनका जो हुजूर अकरम से जो ताल्लुक था, उस पर थोड़ी रोशनी डालिएगा। ये देखिए मैं आपसे अर्ज करूं कि रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनका ताल्लुक ऐसा था कि वो आपने सुना कि हजरत उमर बिन खताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि या रसूल्ला, मैं पूरी कायनात में सबसे ज्यादा आपसे मोहब्बत करता हूँ, सिर्फ अपनी नफ्स से ज्यादा। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैही मिन वालिदिही व वलदिही व नासि अजमईन, कि उमर उस वक्त तक कोई मोमिन हो ही नहीं सकता कि जब तक पूरी कायनात से बढ़कर मुझे महबूब ना बना ले। तो फरमाया कि या रसूल्ला, आज के बाद अब मेरी नफ्स से आल औलाद से बढ़कर सबसे ज्यादा आप ही मेरे नजदीक महबूब है। मैं जल्दी जल्दी बताना चाहूंगा, जब खलीफा सानी उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अरबा ईमान लाने के बाद जब उनको खिलाफत उनके हिस्से में आई, तो उन्होंने दुनिया में वो रिफॉर्म्स की हैं, वो इस्तिलाहात की हैं कि आज चाहे वो जमहूरियत हो, डेमोक्रेसी हो, सोशलिज्म हो, कैपिटलिज्म हो, उमर इज्म के सामने सारे के सारे हेज नजर आते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत ही खूबसूरत ये टर्म आपने उमर इज्म यूज किया ना, सुभान अल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकअल्लाह। तो हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वर्दा, देखिए कि आप एक तरफ ऐसा एक हाकिम वक्त है कि जिसकी हुकूमत के अंदर सूरज गुरूब नहीं होता, मशरिक त मगरिब, शुमाल त जनूब, आपकी हुकूमत कायम है। यहाँ साहिल मकरान तक आप देखिए, वहाँ पर पूरा जजीरा नुमा अरब देखिए, वहाँ पर फिर मिस्र और अफ्रीका तक आप देखिए, और यूरोप के अंदर आपके झंडे जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ दिए। लेकिन आपके फक्र का, आपकी सादगी का आलम यह है कि आप बगैर किसी प्रोटोकॉल के, बगैर किसी ऑफिसर्स के, बगैर किसी लाहौल लश्कर के, रात के वक्त में मदीना मुनव्वरा की गलियों में गश्त करते हुए नजर आते हैं। और आपने मशहूर मारूफ वाक्य सुना होगा कि साहब वो एक घर से रोने की आवाज आ रही है बच्चे की, आप दरवाजा खटखटाकर पूछते हैं कि बच्चा क्यों रो रहा है, तो माँ कहती है कि जनाब मैं बच्चे को सुला रही हूँ, बच्चे का दूध छुड़वा रही हूँ, इसलिए कि उमर ने ये ऐलान किया है कि जैसे ही बच्चा जब माँ का दूध छोड़ेगा, तो उमर बिन खताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से बढ़कर हकीम और बसीरत वाले कौन थे, माँ का दूध जो मदर फीड है वो इट इज द बेस्ट फॉर द चिल्ड्रन, ठीक है ना, ये उनको मालूम था। लिहाजा कहा कि जैसे ही माँ का दूध छोड़ेगा बच्चा, उधर ही से उसका बैतुल माल से हुकूमत बख्शे वजीफा, उसकी स्कॉलरशिप जारी हो जाएगी। तो उसने कहा कि मैं इसलिए दूध छोड़ा रही हूँ ताकि दूध छोड़ दे तो उमर की जानिब से इसका वजीफा जारी हो जाए। हजरत उमर बिन खताब गए और दूसरे दिन ऐलान कर दिया कि लोगों, आज के बाद बच्चे का वजीफा उस वक्त जारी नहीं किया जाएगा कि जब ये दूध छोड़ेगा, बल्कि जैसे ही बतने मादर से कोई बच्चा इस दुनिया में आएगा, इसी दिन से उमर की जानिब से ऐलान है उसका वजीफा जारी कर दिया जाएगा। यही सियासी यहाँ पर डॉक्टर साहब की जो है वो मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए, एक और हमारे जो दौर हाजिर के हुक्मरान हैं उनके लिए एक सवाल जो है वो मैं पूछना चाहूँगा डॉक्टर साहब से, क्योंकि एक वाकया है मस्जिद नबवी में ही, जो है सारे असहाब उस वक्त मौजूद थे जब हज़रत उमर बिन खत्ताब वहाँ तशरीफ़ लाए, खुतबा फरमाया, और एक सहाबी ने उठ करके हज़रत उमर से ये सवाल पूछ लिया कि ये जो माल गनीमत में एक एक चादर बटी थी, तो आपका तो कद माशाल्लाह से लहीम शहीम, तो आप तो एक चादर के अंदर ये कुर्ता नहीं बनवा सकते, आपने ये कुर्ता कैसे बनवा लिया सबके हिस्से में जब एक एक चादर आई है तो? और हजरत उमर बिन खत्ताब ने इसका जवाब नहीं दिया और फरमाया मेरे बेटे अब्दुल्ला बिन उमर से पूछ लो, वो इसका जवाब देंगे। तो उन्होंने उठ करके बताया कि मेरे वालिद को मैंने अपनी चादर दी थी और दो चादरों को मिला के उन्होंने अपना कुर्ता बनवाया। तो ये एक ऐसे हुक्मरान, ऐसे खलीफा का वाकया है जिनकी हुकूमत में सूरज गुरूब नहीं हो रहा, और आज के दौर में हमारे हुक्मरान इन बातों से कोई सबक नहीं लेते डॉक्टर साहब। अल्लाह अकबर, आपने बहुत खूबसूरत बात की। बेशक देखिए, वहां पर हुकूमत करने नहीं आए थे, अपना बैंक बैलेंस बढ़ाने नहीं आए थे,
वो वहां पर करप्शन करने नहीं आए थे, वहां खिदमत इंसानियत करने आए थे और कयामत तक के लिए इंसानियत के लिए आप वजह तमीज बनने आए थे, आप फॉलोइंग बनने आए थे कि दुनिया हमें फॉलो करे। लिहाजा आपने ऐसा मंजर किया, बिल्कुल हजरत उमर बिन खताब रज़ी अल्लाह तआला को जब खिलाफत मिली थी आपने पहला खुतबा दिया, उसके अल्फाज क्या थे, कहा कि लोगों ये बताओ कि अगर मैं खिलाफ शरीयत काम करूं, मैं नेपोटिज्म करूं, मैं अकराबा परवरी करूं, मैं करप्शन करूं, तो बताओ तुम्हारा क्या तरीका होगा, क्या बिहेवियर होगा। सब खामोश थे। हजरत उमर बिन खत्ताब ने जब तीसरी मरतबा अल्फाज कहे तो एक अंसारी नौजवान खड़ा हुआ, उसने कहा कि फिर हम अपनी तलवार के साथ आपसे पूछेंगे। अब आगे बढ़े, उस नौजवान का माथा चूमा और कहा कि बिल्कुल जब तक थी कौम के अंदर ऐसे नौजवान आते रहेंगे जो हुक्मरानों के एहतिसाब के लिए आवाज़ें बुलंद करते रहेंगे तो यकीनी तौर पर हुकूमत खिदमत इंसानी के इंसानियत की बुनियाद पर तामीर होती रहेगी। और मैं आपको एक वाक्य बताऊंगा, जब कादसिया फतह हुआ, ईरान फतह हुआ फहीम भाई, तो वहां लश्कर चला है, उनका आलम यह था कि फटा पुराना लिबास था, ना इस तरह की वर्दियां थी, ना बड़े अच्छे अच्छे साफ बूट्स थे, कुछ भी नहीं था, ना तमगे थे, ना अवार्ड थे, फटे पुराने भूखे प्यासे वहां से चले और हजारों किलोमीटर का सफर तय करके जब मदीना मुनव्वर आए और जो माले गनीमत की फहरिस्त थी उसको गिना गया मस्जिद नबवी में ढेर करके, एक सुई भी कम ना थी। बिल्कुल बिल्कुल बेहतरीन मुनसिफ थे। और डॉक्टर जमील आथोर साहब, वाकयात तो इतने हैं कि अगर हम उन सब पे बात करने लगेंगे तो शायद वक्त बहुत हमारे पास कम है, प्रोग्राम का पूरा दिन लग जाएगा, क्योंकि बड़ी एक्सेप्शनल गवर्नेंस थी और उसी दौरान इस्लाम भी तेजी से फैला और बड़ी एक्सेप्शनल क्वालिटीज उनमें थी कि इन्होंने इस तरीके से अपना ये जो दौरे हुकूमत उनका था कि बेहतरीन उसको तसव्वुर किया जाता है। डॉक्टर साहब बड़ी माजरत, क्योंकि टाइम हमारे पास काफ़ी कम है, बहुत शुक्रिया आपने हमारी रहनुमाई फरमाई। और अभी हम आगे बढ़ेंगे, कुछ बात मौसम की भी हम करना चाह रहे हैं। तो मुल्क भर में मानसून बारिशों का सिलसिला भी जारी है और महकमे मौसम ने पंजाब के बाद आज सिंध और बलूचिस्तान में नए स्पेल की एंट्री का इंदिया दे दिया है। पंजाब के मुतादिद शहर शदीद बारिशों की लपेट में हैं, करक और अटक में नशेबी इलाकों में तुगयानी है और सूरत हाल क्या रहने वाली है, इसी पर बात करने के लिए महकमे मौसमियात से चीफ मेट्रोलॉजिस्ट है सरदार सरफराज साहब, वो हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सरदार साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पहले तो मुझे बताइएगा कि क्या सिचुएशन रहने वाली है स्पेशली पंजाब साइड पर, क्योंकि वहाँ बड़े अफसोसनाक वाकयात भी पेश आ रहे हैं, करंट लगने के वाकयात, तो वहाँ पर मौसम अभी स्पेल कब तक चलेगा? जी बहुत शुक्रिया जी, ये स्पेल चलेगा 24 या 25 तक एटलीस्ट पंजाब के आपके बेशतर इलाकों में इसी तरह से। और इसमें आज शाम तो इतना आज शाम को किसी किसी एरिया में वो इस्लामाबाद पिंडी और दूसरा उसके साथ जो चकवाल और फिर पेशावर की तरफ जो एरिया है उन इलाकों में दोबारा से तेज स्पेल मुतवक्के है, खासकर कल और परसों दोनों दिन दोबारा से तेज स्पेल होगी, तेज मतलब हैवी फॉल्स होंगे पंजाब के बेशतर इलाकों में, खासकर जो नीचे मानसून की कोर बेल्ट है लाहौर फैसलाबाद सरगोदा फिर नीचे शेखुपुरा और कसूर और उस तरफ गुजरात और गुजरांवाला ऊपर इस्लामाबाद पिंडी, ये तमाम इलाके शदीद बारिशों की लपेट में ऑलरेडी हैं और ये स्पेल चलेगा 25 तक एटलीस्ट चलेगा वहाँ पर। और फिर वही मानसून हवाएं जैसे गुज़श्ता रात से सिंध में भी दाखिल होना शुरू हो गई हैं, सिंध के कुछ एरियाज़ में, ईस्टर्न सिंध में और अपर सिंध में बारिश रिपोर्ट हुई है वहाँ से, तो इधर भी ये अगले 4 से 5 दिन यानी 25 या 26 तक ये सिलसिला वक्फे से मुसलसल। सरदार साहब मुझे ये बताइएगा, ये कराची में बारिश का माहौल पिछले कोई 10-12 दिनों से तो बना हुआ है लेकिन बारिश हो नहीं पा रही है, अब क्या रिपोर्ट है, कराची में बारिश होने जा रही है इस स्पेल के तहत या ये भी बाईपास कर जाएगा? नहीं देखिए, पूरी उम्मीद है कि कराची में भी बारिश बरसाएगा, यही सिस्टम जो पिछले 10-12 दिन की आप बात करें ये तो जनरल मतलब लोकल क्लाउड्स होते हैं एक तरह से, जब तेज सी ब्रीज होती है तो उसके नतीजे में हल्के बादल रहते हैं और ये ज़्यादा से ज़्यादा ड्रिजल बरसाने के या हल्की बारिश बरसाने के ही इनमें पोटेंशियल होता है। जो बाकायदा मानसून हवाएँ हैं वो जैसे मैंने आपको कहा कि गुज़श्ता शब से दाखिल हुई हैं सिंध के कुछ ईस्टर्न एरियाज़ में और आज भी ईस्टर्न सिंध में और कुछ वस्ती सिंध तक यानी हैदराबाद वगैरह तक बारिश शाम तक हो जाएगी और कराची में हो सकता है लेट नाइट एक स्पेल हो जाए, लेकिन कल से है फिर कल से ऑनवर्ड एटलीस्ट 24 तक है कराची में भी इसी तरह वक्फे से अच्छी बारिश मुतवक्के है। चलिए देखिए, ये तवक्को रखें कि मौसम जो है वो बेहतर रहेगा कुछ दिन तक, हवाएं भी चलेंगी या फिर ये हब्स की कैफियत होगी?
देखिए जब सीबी क्लाउड्स पहुंचते हैं ना आपके पास, थंडर गरज चमक वाले बादल जैसे ही अप्रोच करते हैं तो थोड़े से वक्त के लिए तेज हवाएं या आंधी चलती है, वो चलेगी कराची में भी, लेकिन उतनी बहुत ज़्यादा शिद्दत की आंधी कराची में नहीं, लेकिन इंटीरियर सिंध में, खासकर अपर सिंध, सेंट्रल और अपर सिंध का जो इलाका है और इस तरह ईस्टर्न सिंध, उन इलाकों में थरपारकर डिस्ट्रिक्ट हो गया, ऊपर दादू, जामशोरो, लाड़काना वगैरह, सखर, उन एरियाज में चल सकती है आंधी। पहले चले और आंधी के बाद यानी डस्ट स्टॉर्म और उसके साथ गुबार का तूफान, आंधी और फिर तेज बारिश। जबरदस्त जी, बेहतरीन। तो कराची वाले जो है वो इंतजार करें। अच्छा, एक सवाल और मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कितनी बारिश जो है वो ये सिस्टम से जो है एक्सपेक्टेड है, कहीं ऐसा ना हो कि कराची जो है हर साल की तरह इस बार भी डूब जाए, तो तैयार रहने के लिए आपने पहले ही इंफॉर्मेशन दे दी है या इतनी हैवी बारिश इस बार एक्सपेक्टेड नहीं है? देखिए उतनी हैवी तो नहीं एक्सपेक्टेड नहीं है कि जितनी पंजाब की तरफ हो रही है, वो तो जाहिर है कि मुसलसल मानसून हवाओं की कन्वर्जेंस उधर है, अरेबियन सी से भी और बंगाल दोनों जगहों से, तो वहाँ तो बहुत ज़्यादा हैवी स्पेल हो रहा है। उतना हैवी तो नहीं, लेकिन फिर भी एट टाइम्स एट प्लेसेस, यानी कुछ वक्त के लिए कुछ कुछ जगहों में हैवी फॉल्स हो सकते हैं, निचली इलाकों में पानी, जाहिर है कि 30-40 मिलीमीटर बारिश अगर कराची में आधे एक घंटे में हो जाए तो फिर निचली इलाकों में पानी खड़ा हो जाता है, तो उस तरह निशेबी इलाकों में इतना तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम, तो निशेबी इलाकों में पानी इतनी बारिश से खड़ा हो जाया करता है कराची में, अमूमन हमारे एक्सपीरियंस तो यही है। बिल्कुल सर, क्योंकि हमारे पास ड्रेनेज सिस्टम जो है वो नहीं है, इसी वजह से ऐसा होता है। सरीश, आपके पास कोई सवाल? अच्छा बिल्कुल, मैं सरदार साहब ये आपसे पूछना चाहूँगी, ये जो मानसून का सिस्टम है ये कब तक रहेगा, अगस्त के एंड तक, सितंबर तक चलेगा या फिर जल्दी ख़त्म हो जाएगा? देखिए नॉर्मली तो सितंबर की मिड तक तो चलता है एटलीस्ट, लेकिन वही उसका जो पिछले साल भी हमने देखा था, आपको याद होगा कि जुलाई और अगस्त में बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, सितंबर में इक्का दुक्का स्पेल हुए थे, खासकर नॉर्थ में हुए थे, साउथ में तो कुछ बारिश नहीं हुई थी, तो अगस्त के एंड तक या सितंबर के पहले हफ्ते तक तो प्रिवेल करता है मानसून, तो इस दौरान कभी भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके जी, कभी भी एक्सपेक्ट हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया सरदार सरफराज साहब, आप हमारे साथ थे, और वालों के लिए ये अच्छी खबर है कि बारिश हो सकती है, अलबत्ता अगर सरफराज धोखा ना दे तो। रात में हल्की और कल से कहा जा रहा है कि जी अच्छी बारिश होगी और 2-3 दिन रहेगी, तो बस फिर आपने मैंगो पार्टी करनी है, छतरियां खरीद ली और साथ में पकौड़े समोसे, कितनी दुकानों पे ऐसे रश बढ़ जाता है कि बस हैरान। लेट्स वेलकम हैजा, माफ कीजिएगा, मतलब साफ सुथरा खाइएगा, एहतियात कीजिएगा और एक वक्फा जरूर लीजिएगा, क्योंकि वक्फा जरूरी है। दुनिया बोल है, हमें मिलते हैं आफ्टर वेरी शॉर्ट ब्रेक। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। जी वेलकम बैक नाजरीन, एक बहुत अहम मामला जिस पर हम बात करेंगे, कैंसर जो कि एक जानलेवा मर्ज है और दुनिया भर में कैंसर के मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है जहां इसके मरीजों को मुनासिब इलाज की सहूलियात दस्तियाब ना होने से शरह अमवात बहुत ज़्यादा है। अब जनाब इसमें लोग सोचते हैं कि जनाब कौन सी स्टेज तशखीस देर से समटाइम होती है, समझ नहीं आती किसके पास जाएँ, मशवरे भी मिलते हैं, लोग भी बताते हैं, कोई कहता है हर्बलिस्ट के पास जाएँ, कोई कहता है कि जनाब आप इसका होम्योपैथिक इलाज करवाएं, और फिर ऑनकोलॉजिस्ट भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, ये अपना इलाज बताते हैं कि जनाब किस तरह से इसका इलाज हो सकता है। तो इस वक्त मुझे डॉक्टर जवेरिया महमूद ने ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और डॉक्टर निसाका जो कि हर्बलिस्ट हैं ये भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो फहीम मेहमान बड़े ज़बरदस्त हमने बुलाए, बहुत ज़्यादा, और मुझे अच्छी तरह याद है कि जब लास्ट टाइम डॉक्टर निसाका हमारे साथ थे तो डॉक्टर निसाका ने ये बताया था कि जी आपने बायोप्सी नहीं करानी है, आपने कीमो नहीं कराना है, अगर आप चाहते हैं कि हर्बल से आपका ट्रीटमेंट हो। तो मैं पहले डॉक्टर जवेरिया से जो है वो इनके जो सवालात थे डॉक्टर नसाका ने जो पहले बयानात दिए थे उस पे डॉक्टर जवेरिया से जानना चाहूँगा कि जी कितना ज़रूरी है कीमो और बायोप्सी। देखिए इट्स डिपेंड ऑन अवेलेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी। पाकिस्तान में अगर हम देखा जाए तो जैसे हमारे 4 प्रोविंसेस हैं, सूबा सिंध है, पंजाब है, बलूचिस्तान है, केपीके है, तो आप ये देखिए कि कुछ एरियाज रिमोटेड हैं जहाँ पे लोगों को बेसिक सहूलियात भी, इवन हेल्थ एमरजेंसी यूनिट्स और बेसिक सहूलियात भी नहीं है। कैंसर की बात की जाए, डायग्नोसिस, उसका ट्रीटमेंट और उसके जो खुराक के साथ आप उसको मैनेज करते हैं, तो इट्स ऑल अबाउट लाइकोपीन और रेड वेजिटेबल फूड्स। मतलब नॉर्मली जैसे मैं बीइंग लाइक अ न्यूट्रिशनिस्ट ऑनकोलॉजिस्ट बार बार ये बताती हूँ कि अब कैंसर क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गया, एक वजह ये कि देखिए अभी मैं के ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहूँगी, वो जर्मनी में और यहाँ पाकिस्तान में बैन हो गया, बहुत फेमस ब्रांड है और उसमें इथाइल बेंजोएट पाया जाता था जो कि कार्सिनोजेनिक है और कैंसर का बाइस बन रहा है।
मिलावट करना, चाहे वो दूध है या फिर कोई आपका कोई ऐसी चीज है जिस जो आप मतलब हम केमिकल्स बहुत ज्यादा ऐड हो गए हैं, आप देखिए कि कॉन्टेमिनेंट्स, केमिकल्स, एडिटिव्स, दे कैन कॉज कैंसर्स. फर्स्ट वी नीड टू स्टॉप दिस. सेफ ड्रिंकिंग हेल्दी वाटर. अच्छा, कहने को तो बड़े आसानी से कहते हैं कि साफ पीने का पानी. बड़ी बड़ी कैंपेन्स चलाई जाती हैं, बड़ी बड़ी एनजीओज और चीजें इस पे काम कर रही हैं, बट व्हेन वी आर इन प्रैक्टिकल लाइफ, और जब हमारे हाथ में ग्लास का पानी का होता है और अपने आप डिस्पेंसर को क्लीन नहीं कर रहे होते, बड़े अच्छे अच्छे घरों के बड़े बिलीनियर और चेयरमैन और क्या कुछ आप, पर जब आपका पीने का साफ पानी नहीं ठीक है और आपके अंदर एक बॉडी, अल्लाह ताला ने एक मशीनरी नेचुरल सेट की हुई है जिसको वो भी उसको भी क्लीन और नेचुरल ऑर्गेनिक चीज़ है उसके लिए, तो बॉडी के लिए तो फ्यूल है. वो जैसे आपने ये जो बात की ना, देखिए ये चीज़ें बहुत हद तक कम हो जाती हैं और डॉक्टर्स, क्योंकि डॉक्टर को मसीहा समझा जाता है और जब कोई मतलब बीमारी अल्लाह की तरफ से होती है, शफा भी वही देता है. और कैंसर एक ऐसा मर्ज है कि इसमें अपने मतलब रब से, क्योंकि वो बहुत खजानों का मालिक है, उससे दुआ करो तो वो शफा भी देता है आपको, इवन दवाई मेडिसिन हर चीज में मिल जाती है. मुझे बताइए कि जो बायोप्सी है, इसका सैंपल आज भी लंदन या अमेरिका ही भेजा जाता है या पाकिस्तान में कर सकते हैं आप? देखिए मैं आपको बताती हूँ कि डिपेंड करता है कि आपकी पॉकेट कितना अफोर्ड, आप अफोर्डेबिलिटी आपकी कितनी है. देखिए कुछ हमारे ऐसे हॉस्पिटल्स हैं या कुछ ऐसे लोग हैं जो कि खैराती तौर पे या हेल्पिंग हैंड पे या साइलेंटली तौर पे, ओवरसीज पाकिस्तानी इसमें शामिल है, खामोशी से करते हैं, पर बहुत से लोग कतराते हैं, डरते हैं, तो या अगर उनकी अफोर्डेबिलिटी, क्योंकि वो देखिए एक जो जब किसी पे सिचुएशन आती है ना, उसको एक्सेप्टेबिलिटी बड़ी मुश्किल होती है कि हमें, देखिए बायोप्सी इज ऑल अबाउट डायग्नोसिस कि आपको है कि नहीं है. Exactly, और ये फैसिलिटी पाकिस्तान में है नहीं. बिल्कुल बिल्कुल. तो आप ये देखिए कि पहली बात है कि अगर आप इसकी तरफ जा रहे हैं और आप जितने भी पैसे लगा रहे हैं, नंबर वन ये कि कैंसर को रोकथाम के लिए रेड. एक मिनट, मुझे पहले एक बात क्लियर कीजिएगा कि बायोप्सी जो पाकिस्तान में अभी पेशेंट्स की हो रही है, क्या वो सिर्फ अमीर लोग ही हैं जिनकी हो रही है, गरीबों की नहीं हो रही? बहुत से हॉस्पिटल्स हैं जो 32 प्लस पेशेंट्स, 32 बिलो लेते हैं, 32 प्लस लेते ही नहीं है, क्योंकि स्टेज फोर कैंसर या आपका स्टेज फर्स्ट कैंसर, देयर इज अ बिग डिफरेंस. और फिर आपकी डिफरेंट जैसे कैंसर्स होते हैं, कॉलन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, मतलब डिफरेंट जो कैंसर. अभी जो रिसर्च आई है उसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि अगर आप बायोप्सी करवाते हैं तो उसके बाद कैंसर बढ़ता है. देखिए वही बात जो डॉक्टर नसाका ने कही है, मैं उस पर आपका जवाब चाह रही हूँ, ये बिल्कुल ठीक बात है. बाकी ऐसा है, रिसर्चेस डेली आती हैं, ये इसी तरह से है कि वाइट मिल्क और दिस मिल्क और मतलब रिसर्चेस आ रही है. चलिए मैं इस पे आपका आपका जवाब लूंगी. आप ही कह रही हैं कि रिसर्चेस आती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है. नहीं, रिसर्चेस तो अब देखिए हम लोग भी रिसर्चर हैं, मेरे भी. अच्छा फहीम, यहां मुझे बड़ी हैरत हो रही है, बड़ी अजीब सी बात है, जब कोई रिसर्च होती है ना तो वो बहुत पढ़ाई के बाद, बहुत निटी ग्रिटी में जाके चीजों को देखने के बाद एक रिपोर्ट आती है, और डॉक्टर साहब ये कह रही हैं कि ऐसी आती रहती हैं रिपोर्ट्स. ये देखे ना, ये इर्तका का जो एक अमल है वो रुक नहीं सकता है, एवोल्यूशन जो है वो कभी भी नहीं रुक सकती है. तो जाहिर सी बात है, रिपोर्ट्स तो आती रहेंगी, रिसर्च जो है वो होती रहेंगी, और फैक्ट्स हैं, डेफिनेटली ये फैक्ट्स हैं, और रिसर्च के बाद ही ये फैक्ट्स आपके सामने आते हैं, जो कि डॉक्टर नसाका लास्ट टाइम हमारे शो में खुद बता के गए थे कि जी ये आपने नहीं करवाना है, और उसकी वजह अब इस रिसर्च के जरिए जो है वो सामने आ गई है. तो डॉक्टर नसाका बताइएगा कि आपने ये जिन बेसिस के ऊपर आपने थीसिस सबमिट किए थे कि नहीं करानी चाहिए, ये टोटल बेस करते थे हर्बल ट्रीटमेंट पे? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किया आपने, और मैं डॉक्टर जवेरिया का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप आई और आपने मुझे दावत दिया, और आप दोनों का और बूट का शुक्रगुजार हूँ कि मेरे जैसे जो मैं कुछ भी नहीं जानता मुझे बुला लेते, टीवी में बुला लेते. माशाल्लाह. देखिए मैं आज से नहीं, आज 10-12 साल से टीवी में आ रहा हूँ और यही बोल रहा हूँ कि जो दुनिया में बच्चा आ रहा है, जो दुनिया में बच्चा आ रहा है उसको भी कैंसर है, तो आप लोग बोलेंगे ये डॉक्टर पागल है. क्यों? कि अल्लाह के तरफ से उसकी इम्यूनिटी, कुव्वत मदाफियत अगर कमज़ोर है तो उसके ऊपर कैंसर हावी हो गया. अगर उसका, अब बच्चे का थोड़ी आप बायोप्सी करेंगे, कुछ नहीं है. बिल्कुल बायोप्सी कराना ही नहीं चाहिए. तो तशखीस कैसे होगी? हाँ, ये बहुत अच्छी बात है कि डॉक्टर लोगों को सिर्फ यही है. डॉक्टर बहुत मदद के साथ, डॉक्टर जो एमबीबीएस एफआरसीएस, दे आर माय पेशेंट, दे यूज्ड टू कम टू मी फॉर द ट्रीटमेंट, देयर ट्रीटमेंट. बड़े बड़े डॉक्टर्स आते हैं जिनको डॉक्टर जवाब देते हैं, वो क्यों केमोथेरापी नहीं कराते, वो क्यों नहीं बायोप्सी कराते, वो क्यों नहीं कराते, मैं ये पूछता हूँ. नहीं डॉक्टर, डायग्नोस कैसे होगा? मतलब एक आदमी मिसाल के तौर पे फला शख्स है, उसे ये इबाम हुआ है कि उसे कैंसर हो सकता है, वो डायग्नोस कैसे करे? बहुत अच्छा सवाल किया.
पहले जमाने में, बहुत जमाने में, उस वक्त इस कैंसर को डॉक्टर साहब सुन लीजिए, आपको शायद नहीं मालूम है, आपको मेरी बच्ची के बराबर है। जी जी। पहले जमाने में, हमारे जमाने में कैंसर, आज हम नाम ले रहे हैं MBBS, आज 100 साल से ज्यादा इसकी उम्र नहीं है MBBS की। ठीक। पहले जमाने में जो डॉक्टर हुआ करते थे, RMP LMP वगैरह, बहुत होशियार होते थे। आज आपको बताऊं डॉक्टर साहब, तो इसको आज हम कैंसर बोल रहे हैं, इसके पहले बोला करते थे राजफोड़ा बोला करते थे। अच्छा, हो गया। अब सुन लीजिए, अब डॉक्टर के पास गया पेशेंट कि मुझे यहाँ तकलीफ हो रही है, यानी कैंसर जो स्टार्ट होता है दर से, अगर आपको किसी जैसे पेनाडोल है, रिस्ते और ब्रोफीन से नहीं, आपको दर्द कम हो रहा है, बार बार दे रहा है, तो वो क्या बोलेगा डॉक्टर के, बायोप्सी कराइए। और बायोप्सी को छेड़ना नहीं चाहिए, बोलो क्यों, एक मच्छर की मक्खी का छत्ता, आप अगर उसमें लकड़ी, बिल्कुल, उसे छेड़छाड़ करेंगे तो वो पूरा बिखर जाएगा, इलाके में पड़ी वो ऐसा ही है, स्टिंग करेगी, वो करेगी एग्जैक्टली ये एक जगह आपका सेल जो है, कैंसर का सेल एक्युमुलेट है वहां पर है, उसको मत छेड़िए। और जैसे आपने पेनिट्रेट किया, बायोप्सी के लिए कैमरा डाला, सिरिंज डाला, तो वो क्या गया, बोन में चला गया, लंग में चला गया। अभी एक डॉक्टर आए, बहुत बड़े डॉक्टर, उनका नाम तो नहीं लूंगा, बहुत बड़ा डॉक्टर है पाकिस्तान का, बड़ा, दे आर माई पेशेंट, उनको पैंक्रियाटिक कैंसर हो गया, वो मेरे पास आए, तो ये बायोप्सी कराए, वो उधर पैंक्रियास में चला गया। हालांकि वो सिगरेट वगैरह नहीं पीते, शराब नहीं पीते, कोई नशा नहीं। अच्छा, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही डॉक्टर साहब, जब किसी जगह पर तकलीफ होती है, हाँ, तो जनाब जो आम तौर पर इलाज होता है कि वहीं से कुछ लेके उसका मटेरियल, हाँ, तो उसकी बायोप्सी होती है और वहीं से उसका इलाज होता है, फिर वहीं पर से उसको निकाल दिया जाता है, जब वो वहाँ छेड़ने से कहीं और चला जाएगा तो क्या होता है, कैंसर भी पूरी बॉडी में उसी वक्त फैल जाता है। कैंसर बोलते हैं जिसको बोन्स में होते हैं, बोन्स में बेसिकली आपका पूरी बॉडी में वो जनरेट होता है, इट्स लाइक दिस। नहीं, अब मुझे ये बताएगा कि अगर हम बायोप्सी नहीं कराएंगे जी जी, तो हमें कैसे पता चलेगा कि स्टेज क्या है। मेरे पास कोई भी स्टेज क्या है तो मैं उसको ये बोलती हूँ, अच्छा वो कहेंगे घुटनों में दर्द है, कहेंगे RH करवाएं, यूरिक एसिड करवाएं, कोलेस्ट्रॉल चेक करवाएं। आप ये देखें कि विदाउट डायग्नोसिस आप डॉक्टर कांट ट्रीट अ पेशेंट, इवन अ न्यूट्रिशनिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट, नो वन। अब बात ये कि तशखीस एक मर्ज के इलाज के लिए बहुत जरूरी होती है। कैसे होगी भाई, हकीम साहब तो नब्ज पकड़ के बता देते थे, आप नसाका साहब आप बताइए कैसे पकड़ के बताएंगे कैंसर को कि तुम हो। मैं तो फिजिकल एग्जामिनेशन की बात कर रहा हूं, बड़े बड़े डॉक्टर साहब, तो मैंने रिपोर्ट अपने पास रखी है, मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है, नाखून दिखाइए, नाखून देखता बताया तो ये इतना बड़ा ट्यूमर है, होती है बिल्कुल। आप फिजिकल एक्सपेरिमेंटेशन से देखते होंगे ना, आई कलर, नेल कलर, स्किन, नहीं नहीं उसका नहीं, नाखून से कर रहा हूं, सिटी स्कैन मेरा। मुझे ये समझ नहीं आ रही, ये तो फिर क्या मतलब है कि सब फिर हर्बलिस्ट के पास ही जाएं। देखिए साहब, मैं नहीं बोल रहा हूं कि मेरे पास आए तो दूसरे डॉक्टर कैसे करेंगे फिर काम, अगर बायोप्सी नहीं करेंगे तो। चलिए बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, अब आप सुनिए, जिन्होंने एलोपैथिक में इलाज कराया, केमोथेरापी कराया, रेडिएशन कराया, बायोप्सी कराया, जो भी कराया, फिर रिकरेंस क्यों होता है जब आपने उसे जला दिया, फिर क्यों दोबारा आ गया, ये मुझे ये भी मेडिकल साइंस कहती है कि एक बार हो तो दोबारा हो सकता है। इसका जवाब सुन लीजिए, इसका जवाब दे रहे हो डॉक्टर, सुन लीजिए आप भी। जी जी जी। आपने टारगेटेड रेडिएशन किया, टारगेट उसके टिश्यूज को डैमेज कर दिया और आपको सिटी स्कैन या वो करके आपको बता दिया, देखिए साहब हमने जला दिया, कैंसर खत्म कर दिया। अरे भाई, आपकी और मेरी बॉडी में पानी भी है और ब्लड भी है कि नहीं है? अगर पानी नहीं होगा तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा, अगर ब्लड नहीं होगा तो एनीमिक हो जाएगा, है ना? सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब बम डाला गया था, तो आज बच्चे क्यों माजूर पैदा हो रहे हैं डॉक्टर साहब, आप मुझे बताइए क्यों पैदा हो रहे हैं? डीएनए इफेक्ट है, जेनेटिकली। नहीं, नो 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 नो, मैं डॉक्टर साहब से पूछ रहा हूँ, डॉक्टर साहब ये बताइए आज बच्चे क्यों पैदा हो रहे हैं? देखिए, इसके तो बहुत से कॉजेज, सेरेब्रल एट्रोफी है, सेरेब्रल जो पॉलिसी चाइल्ड है, नहीं वो ज्यादा, देखिए मैटरनल हेल्थ और उसमें बहुत सी चीजें होती है, देयर इज अ लॉट ऑफ फैक्टर्स। देखिए अगर ऐसा हो, मदर चाइल्ड हेल्थ होती है, अगर न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, एग्जैक्टली, और फिर वो केमिकल बॉम्ब के साइड इफेक्ट। डॉक्टर साहब अगर ऐसा होता तो जापान वाले
It's not about DNA, I think so. जापान वाले. It's about all about nutrition, health, wellness. तो डॉक्टर से बड़ी हैरत की बात है कि साइंसदान कहाँ से कहाँ पहुँच गए. उन्होंने किया इस पर रिसर्च नहीं किया. वो देखे तो क्यों बच्चे पैदा हो रहे हैं. बुलाना चाहिए उनको डॉक्टर. मेरे ख्याल से देखिए पहला हॉस्पिटल जो है वो तो लंदन में ही बना था दुनिया का, ये सब जानते हैं. और जिसने बनाया था वो जो हमें एक डॉक्यूमेंट्री के जरिए पता चला है कि इब्न सीना के शागिर्द ने ही बनाया था. तो इसमें कोई शक नहीं है कि मुसलमानों को और हर्बलिस्ट के पास जो है वो बहुत जबरदस्त किस्म के ट्रीटमेंट मौजूद हैं. लेकिन डॉक्टर साहब वो ट्रीटमेंट बताने भी तो पड़ते हैं ना. अब जैसे मिसाल के तौर पे अगर किसी को कैंसर है और आप मुझे ये बताइए आसान अल्फाज में, ना डिटेल में जाए ना मुश्किल से, ठीक है ना, वो नहीं करवा सकते बायोप्सी, वो नहीं जा सकते कीमो के जरिए, ठीक है, डायग्नोस कैसे हो पहली चीज, दूसरी उसका ट्रीटमेंट, उसे रोका कैसे जा सकता है, ये दो चीजें आप बताइए. पेन मैनेजमेंट टू. पेन मैनेजमेंट एग्जैक्टली. पेन मैनेजमेंट, पेन मैनेजमेंट इज द मेन थिंग. ये है पेन से ही कैंसर. देखिए पेन किलर इज ए क्रिएटर ऑफ कैंसर. क्यों डॉक्टर साहब, पेन किलर इज ए क्रिएटर ऑफ कैंसर है कि नहीं आप मुझे को बताइए. बट मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर विद स्टेरॉइड्स. आप आपको स्टेरॉइड इंजेक्शन लगाए जाते हैं किडनी डिफेंस होती है आपकी. एग्जैक्टली. हड्डियाँ भुरभुरी हो जाती है इसको राइट से. हाँ हड्डियाँ भुरभुरी हो जाती है. जहाँ तक मुझे लगता है ना कैंसर पेशेंट की पेन मैनेजमेंट सबसे इम्पोर्टेंट है. उसके जो करीब लोग हैं ना कंसल्टेंट, उसके घर वाले, उसको जितना भी टाइम है, उसको जितना पैम्पर प्यार उसका, जैसे टीपीएन एनजी फीड है, हेयर फॉल शुरू हो जाता है. हेयर फॉल के अलावा मेन चीज है आपको रात को नींद नहीं आती, आपको बहुत ज्यादा पेन रहती है, आप उसको कैसे मैनेज करते हैं. पहले जब हम दवा देते हैं किसी कैंसर पेशेंट को, डॉक्टर साहब आप मुझे बताएं डायग्नोस का तरीका. ये तो आप फिर बहस में लग गए, आप हर्बल और एलोपैथी की बहस तो चलती रहेगी. हम ना न्यूज शो कर रहे हैं बड़ा गर्म. नहीं नहीं हम न्यूज शो पे ही हैं. लेकिन डॉक्टर साहब बताएं फिर कैसे पता चलेगा. इन्होंने तो बता दिया जी बायोप्सी करा लो पता चल जाएगा. आप बताएं कैसे पता चलेगा. देखिए हम तो अपना तरीकेकार जो हमारा है बताएं, वो हम नाखून देखते हैं, बताते हैं कि ये यहाँ पर आपको सिस्ट है, यहाँ पर आपको ये है, यहाँ पर ये है, ये आपका इस स्टेज पे कैंसर है. अब आपको कुछ नहीं करना, ये हम दवा दें, क्योंकि पेन से ही स्टार्ट होता है. डॉक्टर साहब आप सबको तो नाखून देखने नहीं आते ना, नाखून देखने तो आपको आते हैं. ये नाखून की बात कर रहे हैं ना, देखिए फीमेल्स हैं, दे गॉट ब्रेस्ट कैंसर और एवरी ईयर दे गॉट स्कैंड कि कहीं हमें ब्रेस्ट कैंसर ना हो. देखिए उनके लिए भी डिफरेंट टेस्ट हैं या चीज़ें हैं, मोनोग्राफी हो गई और कई चीज़ें हैं. 10,000 नॉर्मली चार्ज इन द हॉस्पिटल्स फॉर दिस. मेरे नाखून देख ले, मैं घबरा गया हूं. मेमोग्राफी देखिए अब फीमेल्स को सपोज करें, देयर इज अ लॉट ऑफ फीमेल्स जिनको है, वी डायग्नोस विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रीटमेंट. उसमें अब उसमें तो बायोप्सी नहीं है ना. देखिए हर एक हर कैंसर डिफरेंट है, हर कैंसर डिफरेंट है, एग्जैक्टली. सो डायग्नोस भी डिफरेंट तरीके से किया जाएगा आपकी बॉडी में. देखिए अभी हॉस्पिटल्स में अभी जो पेशेंट्स देख रहे हैं ना, लाखों लोग इस टाइम भी वेट कर रहे होंगे अपने टेस्ट के लिए. एग्जैक्टली. वो पागल तो नहीं है कि दे आर वेटिंग इन द लिस्ट एंड क्यू एंड सिटिंग लाइक दिस के हम जाने और वो अब वो मौत के साथ वो मौत के करीब जा रहे हैं. अपने आप को जो बायोप्सी करवा रहे हैं वो मौत के करीब जा रहे हैं. नहीं बायोप्सी और चीजें देखिए मुझे ये बताइएगा, एक मिनट मुझे आप सिर्फ एक बात का जवाब दीजिए. अब मुख्तलिफ कैंसर है, किसी को हड्डियों का, किसी को खून का, किसी को ब्रेस्ट में, किसी को लिवर, किसी को कहीं. अब वो तशखीस उसकी आप कह रहे थे बायोप्सी नहीं है, आप कह रहे सिर्फ नाखून देख के पता चलेगा. कैसे मुमकिन है फिर मेरे यूट्यूब में जाइए, नंबर ऑफ पेशेंट्स मुख्तलिफ डिजीज के कैंसर. चले आप ये बता दें कि नाखूनों से कैसे आपको पता चलेगा कि इसको कैंसर कौन सा. ये तो तजुर्बा है, ये तो यही तो है सबसे. 87 ईयर्स का तजुर्बा इस नाखून को 12-15 साल जंगल में रह के सीखा है. आज नहीं है, आज मैं अपनी बच्ची को सिखा रहा हूँ कि ये हुनर किसी और के पास ना जाए. वो तजारत करने लग जाएंगे, वो अपनी फीस देंगे, मेरी कोई फीस नहीं है, मेरी दवा के कोई पैसे नहीं, नहीं है. पर जो अच्छी चीज होती है वो सदका जारिया होती है, आपको लोगों को बतानी चाहिए. मैं डॉक्टर साहब से पहले भी कहा था कि सदका जारिया है ना, बार बार बताती हूँ रेड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स. क्योंकि देखिए जो चीज़ आप देखिए आपकी ज़िंदगी का असासा ये है कि हम बच्चे या लोग कुछ चीज़ें सीख जाएं. जो आप अपनी बच्ची को सिखा रहे हैं, मैं अपनी इस एज में मैंने इतना कुछ लोगों को, मैंने कोई 9 गोल्ड मेडल्स दिए, 110 सुवीनियर अवार्ड्स हर जगह पे ट्रेन किया, और जहाँ पे जिस डिस्कशन सेशन हुआ लोगों को बता के आई कि डायबिटीज़ में ये खाना है, कैंसर में आपने बचने के लिए ये खाना है. ये तो चीज़ें बता दें, मेरी बेटी की जगह है बता दें.
डॉक्टर ये बताइए कि आप ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, न्यूट्रिशनिस्ट भी हूँ, चलिए यही समझ लें, हाँ जी, तो आप ये बताइए अगर कोई कैंसर का पेशेंट है उसको क्या डाइट चार्ट देंगे ये मुझे मैं बताएं। बेसिकली टीपीएन रेंजीफीड देखती हूँ कीमोथेरेपी पेशेंट्स को, और साथ फोर आर्ली फीडिंग को आप समझते होंगे, टोटल पेरेंटल और नेजोगैस्ट्रिक फीड के स्पेसिफिक फीड होती है जो कि उनको नाक के थ्रू या स्टमक के थ्रू लगाई जाती है। अच्छा, नॉर्मली मैं वैसे 40 डाइटरी डिजीज को कर चुकी हूँ, आई एम क्वाइट यंग पर्सन बट वेरी एक्सपीरियंस, हाईली एक्सपीरियंस, 6 years सीइंग अ लॉट ऑफ पेशेंट्स। पर अब बात यह है कि कैंसर पेशेंट्स एवरी सेकेंड पर्सन इज डिफरेंट, अल्लाह ताला ने हमें नाक कान चीज़ें एक जैसी दी है, पर सीकेडी क्रॉनिक आपका ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज, लेट मी कंप्लीट, लेट मी फिनिश, तो आपके जो डिफरेंट टेस्ट हैं, जो आपकी डेली रिपोर्ट्स आ रही हैं, आपकी आपका जो यूरिया क्रिएटिनिन है, आपके लिवर फंक्शन टेस्ट है, आपकी डिफरेंट टेस्ट हैं, वो डिफरेंट है, यू हैव टू डिजाइन देयर डाइट अकॉर्डिंग टू देयर न्यूट्रिशनल नीड्स। एज पर माई नॉलेज, मेरी नॉलेज के मुताबिक कि हर इंसान को अल्लाह ने सेम और बिल्कुल मतलब वैसे ही बनाया, पर उसकी जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स है अकॉर्डिंग टू देयर बीएमआई बीएमआर एंड द न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज अकॉर्डिंग के उसको ट्रीटमेंट क्या हो रहा है। देखिए ट्रीटमेंट तो इस टाइम लाखों लोगों का हो रहा है, आप कह रहे हैं कि ये ना कराएं ये ना कराएं, वो लोग पागल तो नहीं, दे आर लाइक यू नो दे आर एवरी टाइम दे आर इन वॉकिंग क्लिनिक्स और दे आर गॉट यू नो दिस दिस दिस। अच्छा मेरा ये मानना है, जो मेरा भी एक्सपीरियंस है ना, एड मोर एंड मोर रेड इन योर डाइट, रेड चीजें ऐड करें, कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड, यंग बच्ची हैं, मैं कहती हूँ मसालों से, कंटेमिनेशन से, रेड मीट नहीं नहीं, रेड जो आपका लाइकोपीन टोमेटोज में मौजूद है, आपके टमाटर में जो आपकी चकंदर है उसमें पालक पुदीना चकंदर ले लें, कभी आप इसका डिटॉक्स वाटर बना लें। देखिए मिलावट वाले मसाला जात, बाहर के खाने जो कि तला हुआ घी जो कि एनिमल फैट से बना होता है, देखिए छोटी छोटी चीजें ना मेक्स अ बिग डिफरेंस। देखिए जो इंसान लाइफस्टाइल चेंज नहीं कर सकता वो कुछ भी नहीं कर सकता, exactly. इसमें आपके लाइफस्टाइल में फुल एक इट्स सर्कुलेटेड लाइक एनीथिंग। और अगर आप आज की जो जनरेशन है उनको थोड़ा सा अवेयर कर दिया जाए ना कि आपने रेडिश लेना है, टोमेटोज ऐड करने हैं, रॉ वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करना है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के साथ यूज़ करें। देखिए जो फूड बाय कलर है ना, मतलब रेड कलर, ग्रीन कलर, येलो कलर, ये बेसिकली इम्यूनिटी जनरेट करता है, कुव्वत मुदाफ़त जनरेट करता है। कुव्वत मुदाफ़त इस तरह के जैसे कोविड आ गया या उसके बाद कोई बर्ड फ्लू आ गया, डेंगू आ गया या कोई भी ऐसी चीज़ आ गई, तो यू हैव द वाइट ब्लड सेल्स इन योर बॉडी। देखिए कैंसर पेशेंट की वाइट ब्लड सेल्स ही कम होना शुरू होते हैं और आरबीसीज सारा चेंज हो जाता है, फाइट बैक नहीं कर सकते, बिल्कुल सही कहा आपने। मैं कहती हूँ अगर आप है ना, या आप हैं, आप एज अ एग्जाम्पलरी पर्सन, क्योंकि आज अल्लाह ना करे कोई डिजीज़ कुछ भी आती है, अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है ना, आपका वेट कंट्रोल है और आप इतनी इंटरनल फाइट और इतना स्पार्क, और एक नंबर वन आपने बीमारी अल्लाह की तरफ से होती हुई शिफा देता है, पर एक चीज़ होती है विल पावर। कुछ लोग विल पावर से ठीक होते हैं, कुछ मोहब्बत से ठीक हो जाते हैं, सारी कुछ दवाई और मेडिसिन और डॉक्टर साहब कुछ मोहब्बत दिखाएं और इम्यूनिटी बढ़ाने का जो है, इम्यूनिटी बढ़ाने का जो है, आप देखें आप कैंसर पे तो बहुत बात हो गई है मेरे ख्याल में, ये दोनों चीजों से हम एग्री कर रहे हैं, आपका तरीका भी दुरुस्त है, आपका एक्सपीरियंस है और उसकी मैंने एग्जाम्पल भी जो है वो इब्न सीना से दे दी है, तो उसमें कोई शक नहीं है, ठीक है ना। अब मैं वेरी क्विकली आपसे चाहूंगा इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कोई दो तीन छोटी छोटी चीजें बता दें, हमें ब्रेक पे जाना है। फिर डॉक्टर साहब ये बताइए, मैं थोड़ा सा आपसे छोटा सा सवाल करूंगा, ये सीकेडी क्रॉनिक किडनी डिजीज को जिसको डायलिसिस हो रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, तो उसको रिवर्स कैसे करोगे कि उसका डायलिसिस छूट जाए, उसको क्या डाइट देंगे? ब्रेक का टाइम हो जाएगा, इम्यूनिटी बूस्टर बता दें, ब्रेक का टाइम हो जाएगा, हर्बल में इम्यूनिटी बूस्टर बता दें, मुझे ये सवाल जरूरी, चले पूछ ले डॉक्टर साहब। बेसिकली देखिए सीकेडी या डायलिसिस पेशेंट्स की भी आपको उनका यूरिया क्रिएटिनिन लेवल सेट करना पड़ता है, वो तो ठीक है, नहीं पर रिवर्सल का जो आप पूछ रहे हैं, देखिए एक चीज ऑलरेडी, एक इंसान उस ट्रीटमेंट पर है तो वो कंटिन्यूड रहता है थ्रू द लाइफ स्पैन, क्योंकि उसका उसका रिवर्सल तो उस तरह से नहीं होता। डॉक्टर साहब यहाँ पर मैं माध्यम चाहूँगा, जी जी, मेरे पास पेशेंट आते हैं जो डायलिसिस कराते हैं, जी जी, विद इन फोर्टनाइट अ मंथ दे कम बैक फ्रॉम डायलिसिस, और ये डाइट चार्ट मैं आपसे यही पूछना चाहता हूँ कि जिसको डायलिसिस हो रहे हैं, डॉक्टर भाई वो उन्होंने बता दिया ना डॉक्टर साहब, उन्होंने बताया रेड ऐड कर दें, नहीं आपने तो रेड दे ही नहीं सकते, अच्छा आप कह रहे हैं रेड नहीं देना, वो नहीं वो नहीं, मैं बता रही हूँ रेड कलर जो है वो एंटी कार्सिनोजेनिक कलर है, कार्सिनोजेनिक है, लाइकोपीन उसमें लाइकोपीन होता है, लाइकोपीन होता है जो एंटी कैंसर है। मैं बहुत शॉर्ट बात कर रहा हूँ आपसे, मैं तो कैंसर पे बात कर रही थी, आई वाज नॉट ऑन सीकेडी, नहीं सीकेडी के बारे में पूछ रहा हूँ, जैसे आपने भी कहा नहीं, बट अवर टॉपिक इज कैंसर, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट सीकेडी,
उसकी डाइट चार्ट आपको, चलो इन्होंने कैंसर पे बता दिया, आप सीकेडी पे बता दें उनको कौन सी डाइट देना चाहिए। नहीं देखिए उसमें तो सोडियम रिस्ट्रिक्टेड डाइट होती है आपकी, मतलब डिफरेंट डिजीज़ में डिफरेंट डाइट होती है ना, फैट रिस्ट्रिक्टेड डाइट होती है अकॉर्डिंग टू योर हेल्थ कंडीशन। देखिए डॉक्टर साहब, आप मुझे बता दें कि अगर आपके पास ऐसा पेशेंट आता है जिसको आप वापस ले आते हैं रिवर्सल पे, उसको आप क्या खिलाते हैं? मैं आपसे आप बताएं उनको किसी किस्म का, जब वो डायलिसिस हो रहा है और डायलिसिस करा कर आया, डॉक्टर साहब आपकी नॉलेज बात करता हूँ, आप शायद इसके बाद अगर डायलिसिस करा कर आया है क्या उसे तरबूज दे सकते हैं? क्या मैं आपसे एक बात, वाटरमेलन दे सकते हैं? नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? मतलब नहीं उससे क्या होगा? नहीं मैं पूछ रहा हूँ उससे होगा क्या उसको, अगर आपने उसको तरबूज दे दिया डायलिसिस करा कर आया, उसमें सोडियम ज्यादा है और उसके लिए वो अच्छा नहीं है किडनी के लिए, क्या होगा? क्रिएटिनिन लेवल आपका हाई हो जाता है। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, बहुत माजर के साथ वो अगर डायलिसिस करा कर आ रहा है और उसने बोला मेरे गर्मी लग रही, मेरे को ठंडा पानी दो, मेरे को ये दो, मेरे को इसका वाटरमेलन का जूस दो, अगर वो पी लिया उस दिन उसकी आखिरी दिन होगा। बिल्कुल, वो मैंने आपको बताया, नहीं जब देख तो नहीं सकते हैं। नहीं अब ये है कि जब डायलिसिस पे जा रहा है एक घंटा दो घंटा पहले इसको जितना प्रोटीन खिला सकते हैं खिलाइए, क्योंकि डायलिसिस जब होगा तो वो वाट होगा। अब उसके बाद उसकी डाइट बताइए कि उसके बाद हमें उसे क्या देना चाहिए। मैं ये बट डॉक्टर साहब जल्दी बताइए, 3 रन के बाद हम इंशाल्लाह जो है वो जीत जाएंगे मैच। और ये बताएं कि डायलिसिस करा के कोई आया तो उसको क्या खाना, उसको क्या खाना चाहिए बताइए। बेसिकली आपकी फैट रिस्ट्रिक्टेड डाइट होती है, मैं मतलब देखिए मुझे जो लगता है ना, एक देखिए डिफरेंट पेशेंट्स होते हैं, किसी को डायबिटीज़ है, किसी को हाइपरटेंशन है, किसी को नहीं है, उसके अकॉर्डिंग ही डाइट बनती है आपकी। मतलब आपके कभी आप मतलब प्रोटीन रिस्ट्रिक्ट तो नहीं करते, फैट रिस्ट्रिक्टेड होती है या सोडियम रिस्ट्रिक्टेड डाइट होती है, यूरिया क्रिएटिनिन लेवल देखना होता है कि बहुत ज़्यादा बढ़ना जाए बहुत ज़्यादा कम ना हो जाए। देखिए आप जो अपनी बेटी को नॉलेज दे रहे हैं वो कुछ हमें भी दे रहे हैं। किडनी फेल जो हुई है डायबिटीज या शुगर रीनल फेलियर और या हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर, इससे किडनी फेल ना, बिल्कुल। अब उसको उसे चल छोड़ दीजिए, मैं उसको सिर्फ डाइट बता दीजिए कि दोनों में काम में है, ये डाइट पूछ रहा हूँ मैं आपसे। नहीं देखिए देयर इज अ बिग डाइट प्लान, देयर इज अ कैलोरी कैलकुलेटेड डाइट प्लान, देयर इज अ न्यूट्रिशनल एनर्जी डाइट प्लान, और यू कैन मेक अकॉर्डिंग टू योर एज वेट हाइट एंड लेवल ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। जब वो करवा कर आ जाता है तो उसको सिर्फ लौकी टिंडे तुराई और वो जो बेल में जो लगा हुआ बेल जिसमें बेल में जो सब्जी लगी हुई है वो देना है, एक बेल में जो सब्जी लगी जैसे ककड़ी, जैसे अपना करेला हो गया, घिया कर अच्छा जिस दिन करेला दो, सुन लीजिए डॉक्टर साहब आपकी नॉलेज ला दूं, जिस दिन करेला दो उस दिन लौकी नहीं देना, उस दिन उसका आखिरी दिन होगा। मुलाकात करते हैं इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़। मोबाइल लोन एप्लीकेशन से कर्ज लेना आवाम के लिए अजाब बन गया, सूद की ज्यादती और धमकियां, शहरी ने अपनी जान ले ली, बोल ने दिया अपने आवाम का साथ, उठाई इस स्कैम के खिलाफ आवाज। जो है लोन देने के हवाले से फ्रॉड बन रही है और लोगों की जिंदगियों से और इनकी इज्जतों से भी खेल रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ यहाँ पे 2-3 बड़ी अहम चीज है, ये है कि ऐसी एप्स जो कि एक्सेस प्रोवाइड कर देती हैं टू द कॉन्टैक्ट्स और उसके अलावा टू द गैलरी। बोल की खबर पर इदारों ने भी कस ली कमर, लिया एक्शन। बोल की काविशें बराबर साबित हो गई, ऑनलाइन कर्ज माफिया के गिर घेरा तंग हो गया है, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।